मेरे फोन में पता नहीं आज क्या हो रहा है। क्या हो गया? अब नया नहीं दिलवाऊंगी। इंस्टाग्राम स्नैपचैट में दिक्कत आ रही है, चल नहीं रहा। वो इसी ले ली, इसमें भी अब ये मैं लूंगी कुछ भी। तो गाइस जिसने फर्स्ट कमेंट आज किया था उसका नाम है वो चीनू। लाइट जला रही, जल्दी आ। ये देखो कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा। और ये सौते देखो मौसम का आनंद लेते हुए बाहर बैठी हुई है, अपना काम कर रही है। कितना मस्त मौसम है भाई। ये देखो नजारा, कितना अच्छा नजारा है भाई। इससे बढ़िया नजारा कुछ नहीं हो सकता। तो गाइस नहा धो के तैयार हो गए हम नहीं मैं। चीनू अभी टॉवल दिखा, ये टॉवल ले रही है, अभी ये नहाने जाएगी। और आज इसके साथ में इसके ट्यूशन पे जा रही हूँ फीस जमा करवाने। तो वैसे तो ये कह रही थी मुझे दे दो, ऐसे भी मान जाएंगी, पर कोई नहीं मैं चले जाती हूँ इसके साथ। तो अभी मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, अभी मैं खाना खा लेती हूँ और चीनू जा रही है नहाने। मैंने रात को भी तेल लगा के भूत की चोटी की थी, फर्क पड़ा तेल से। और मैंने ना एक ही दिन तेल की मालिश करवाई थी, और मुझे भी खुद अपने बालों में फर्क लग रहा है कि टूटते कम है, और पहले तो बहुत ज्यादा टूटते थे। तो चीनू ने जिस दिन मेरी मालिश की थी ना, उस दिन के बाद बहुत फर्क पड़ गया बालों में। और ये तो दूसरे दिन लगा के और अपना बाल धो लेती है, क्योंकि इसके छोटे बाल हैं, मेरे बहुत बड़े बाल हैं। तो मैं धोते हुए भी आलस मानती हूँ इतना कि डेली कौन सर धोएगा। मैं तो सोचती हूँ मैं डेली सिर धोऊं, मजे आते हैं फिर। तो भाई इतने लंबे बाल धोने के बाद इनको सुखाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जिनके लंबे बाल है वो आप खुद से ही सोच लो कि कितनी दिक्कत होती है लंबे बालों को। डेली धो या दूसरे तीसरे दिन धो, तो सुखाने की सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत है। तो चलो भाई मैं खाना वाना खा लेती हूँ और चीनू नहाने जा रही है। चल जा जल्दी नहा के आ जा। भाई जा रहे हैं हम, चीनू लगा रही है ताला और फिर से बारिश आ गई है देख लो। पर कोई नहीं, हल्की हल्की बारिश है, थोड़े भीग लेंगे और क्या ही होगा। मैं तो कल भी भीगी थी थोड़ी सी। ठीक है चल आ जा जल्दी। कल भी छतरी भी ओढ़ने का फायदा नहीं है ना इसके ऊपर। छतरी ले लूँ ना, मुझे कुछ जरूरत पड़ेगी। ले आ। अरे मैंने ताला लगा दिया। कोई नहीं खोल दे तो क्या हो गया, ताला खोल छतरी ले। तो गाइस चीनू छतरी ले आई है दो, एक मेरे को देगी एक अपने लिए। ला मुझे दे। वो इसी ले ली, इसमें भी अब ये मैं लूंगी कुछ भी। मैं वो ले लूंगी तो क्या हो जाएगा, भीग जाओगे। अच्छा उस छतरी में मैं भीग जाऊंगी और तू नहीं भीगेगी, बहुत बढ़िया। तो गाइस मैं देखो कपड़े लेने आई हूँ, और मैडम जी देखो आराम फरमा रही हैं, कह रही है मेरा मूड ही नहीं है कपड़े दिखाने का, बताओ क्या करूं। क्यों नहीं आपका मूड? बस हालत ही ऐसी हो गई है। गर्मी मान रहे हो क्या? ये बारिश होने के बाद तो वैसे ही उमस हो गई है ना। तो चलो भाई मैं खुद से ही पसंद करती हूँ एक आधा सूट, गर्मी का कुछ मुझे पसंद आता है। तो ये दीदी तो दिखा नहीं रही है, कह रही खुद से ही देख लो। तो चलो गाइस करती हूँ मैं पसंद, काफी सारे कपड़े रखे हुए हैं वैसे तो, कुछ ना कुछ पसंद जरूर आ जाएगा। और तो गाइज मैंने ये पानी का पाइप लिया है 35 फीट, और एक ये मैट लेना है मेरे को जो पड़े हुए हैं ना यहाँ पे मैरून कलर के। भैया कितने बाय कितने का है वो जो आप मंगवा रहे हो? 6x9। ठीक है। तो गाइज चीनू को पेन लेना है ब्लैक कलर के, और वो स्टेशनरी पे से पेन ले रही है। और आज मैं इसके साथ ही आई थी ट्यूशन पे और यहीं रुकी हुई थी, और अब इसका ट्यूशन पूरा हो गया है और अब हम ये ब्लैक पेन ले रही है वो लेके घर पे जाएंगे। हम काफ़ी लेट हो चुके हैं आज। क्या ले चीनू? तो गाइस चीनू ने पेन ले ली है। चलो चले। तो गाइस हम घर पे आ गए हैं और मैंने उतर के गेट खोला, और वो चीनू लाइट जला रही, जल्दी आ। बिल्कुल अंधेरा हो रहा है यहाँ भी देख। तो भाई देखो घर पे जब कोई नहीं होता देखो कैसे अंधेरा हो रखा है। चीनू लाइट जला, तेरी शक्ल भी नहीं दिख रही। हाँ चल भाई गेट खोल चीनू, ये तो उतर जाएगा। बस ना गिर जाएगा फोन।
बार की एक बार दूसरी लाइट है और जला दे एक बार, और ये सामान उतार ले जा। हाँ इस पे से उतार पहले। वैसे जो वो पाइप है पानी का जो मैंने आपको दिखाया था वहां पे, चलो भाई अंदर चलते हैं। पंखे तो चला दो, पंखे वंखे सब बंद है, आते पंखे चलाएं, बहुत ज्यादा गर्मी है। और चीनो को देखो खुले बालों में, इसको बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। तो गाइज आज हम काफी लेट हो गए थे मार्केट में, मैं एक दो जगह काम से गई थी तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाई वहां पे, तो मैंने बस वही है आपको बस स्टेशनरी का दिखा दिया। और ये आते चीनू ने एक पेन खरीदा था, आते ही लगे उसी पेन से काम करने, उससे नहीं करा मैंने। और क्या ये रखा हुआ, ये थोड़ी खरीदा था मैंने, पायलट लिए थे दो। अच्छा मैं सोची नए पेन का शौक चढ़ रहा है और इसीलिए अपना लेके बैठी हूँ। मैं डेली नहीं करती आते ही काम, हमें क्या पता। तो गाइज आज पूरा दिन ना चीनू का ही व्लॉग बना है, मैं तो बहुत कम दिखी हूँ व्लॉग में क्योंकि मैं इसी का बना रही हूँ आज पूरे दिन से, इसकी एक्टिविटी दिखा रही हूँ सुबह से अब तक, और रात तक दिखाऊंगी भी ये क्या क्या करने वाली है। कर ले काम फिर रोटी खा ली। मेरे फोन में पता नहीं आज क्या हो रहा है, क्या हो गया, अब नया नहीं दिलवाऊंगी। इंस्टाग्राम स्नैपचैट में दिक्कत आ रही है, चल नहीं रहे। कुछ कर तो नहीं दिया है तूने नए फोन के चक्कर में, मैं क्या करूंगी, नया आईफोन नहीं दिलवाऊंगी। देख लेंगे वो तो, मिलने के टाइम पे मिल भी जाएगा। अच्छा और क्या, काम कर ले पढ़ ले, फोन के ध्यान में मत रह। कितना पुराना है फोन बताना, कितना ही भी हो मैं ऐसे ध्यान नहीं रखती कितना पुराना है कितना नहीं, काम कर ले मैं रोटी बना रही हूँ। ठीक है मम्मा, ठोक रही है मिर्ची आज बस मन कर गया, वैसे तो आम ही की सब्जी है मेरा ही ना ऐसे हो, मैं नहीं खाऊं, मैं नहीं खाऊं। ओ मत खा, मैं खा लूंगी। आप फाइव स्टार होटल में शेफ बन जाओ बिना कोर्स के, उसमें कोर्स क्या है, घर पे बना रहे 20 साल से, वो तो मांगेंगे ना डिप्लोमा। मेरा नाम ले देना, व्लॉग दिखा देना। ये भी सही है, व्लॉग दिखा दूंगी कि देखो चीनू ने मेरा व्लॉग बना रखा, मैं अच्छी मिर्च फ्राई करती हूँ। मिर्च फ्राई करने के लिए रखेंगे क्या, बस सबको काम दे दो, किसी को मिर्च फ्राई करने दे दो, किसी को दाल बनाने, राजमा आप बनाना करवा भाई, राजमा मैं बना दूंगी राजमा, क्योंकि मेरे हाथ की चीनू को अच्छी लगती है। और क्या क्या अच्छा लगता है मेरे हाथ का बता दिया कर, कभी तारीफ कर दिया अगर मेरी, राजमा लगती है, भिंडी लगती है, करेला भी लगता है, कटहल, हाँ कटहल भी लगती है, बस और भी है बस, और तो याद नहीं आ रहा और भी हैं, पर ये जो ज्यादा अच्छी लगती है उसमें से आम ही नहीं लगती, अरबी नहीं लगती, अरबी लगते पर आम में इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे। और भरता, हाँ भरता भी, फिर बचाई क्या गाइस, पूछो इसे बचाई क्या, भरता भी या बची, तोरी बची, टिंडे बचे, ये दो बनाए मत करो, बनाती ही नहीं, पेठा भी मत बनाया करो, पेठा तो अच्छा लगता है चीनी, नो भाई अच्छा लगता है, नहीं नोर दस मत कर। तो गाइस मम्मा रोटी खा रही है ओ। और मुंह जला लिया, फिर भी मिर्च खाई जा रही है, इतनी तीखी मिर्च है ना, कहा तो मैं से निकल रहा तुम्हारा, तो क्यों खा रहे हो, अच्छी लग रही है। कुछ भी मतलब, ये सब्जी वाली मिर्च है, वो फ्राई वाली अलग होती है, तो? ये सब्जी वाली फ्राई कर दी मैंने तो बस बंद कर दी इसे। तो गाइज आप लोग पूछ रहे थे कि गाड़ी आंटी जी कब लाओगे, तो अभी हमने बनाया प्रोग्राम, दो या तीन दिन में फाइनल कर लिया है गाड़ी लाने का, तो गाइज दो या तीन दिन में फाइनली गाड़ी आ जाएगी और आप लोगों को फिर मैं दिखाऊंगी कौन सी गाड़ी है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि टिगोर है टाटा की, आपको पता ही है ये सब, हमने फर्स्ट में जब हमने बुक की तभी हमने बता दिया था आप लोगों को, बस जो रचित की गाड़ी है उसका नहीं बताया था कि उसकी कौन सी है, लेकिन टिगोर का हमने बोल दिया था उसी व्लॉग में कि भाई हम टिगोर ले रहे हैं, तो भाई एक दो दिन में गाड़ी की डिलीवरी है। तो गाइज जिसने फर्स्ट कमेंट आज किया था उसका नाम है रवीना, वैसे तो गाइज देखो आप लोग मेरे को बोलते हो कि नाम मेरा बोल दो,
वैसे तो सबके नाम बोलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो फर्स्ट कमेंट करता है ना उसका तो अभी मैं 2-3 दिन से ही बोलने लगी हूँ। वैसे जो हमारी ऑडियंस है ना सारी बहुत ही अच्छी है, सारे कमेंट पढ़ती है, अच्छे से वीडियो देखती है, और भाई मैं जो कमेंट करती हूँ उनका भी रिप्लाई देती है, यानी कि भाई मेरे हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी है भाई। तो डेली नाम लेने से भी वैसे कुछ नहीं होता, ऐसे तो आप लोग बहुत ही अच्छे हो और भाई हमें बहुत सपोर्ट करते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो गाइस 11 बजे हुए और मैं दही वगैरह जमा देती हूँ, सुबह मेरे को फिर भाई जल्दी उठना है क्योंकि चीनू को जाना है गुड़गांव और सुबह सारा काम मुझे ही करना है, वरना चीनू थोड़ी बहुत हेल्प करा देती है, इसको खुद जल्दी निकलना है। तो भाई चलो दही वही जमा के सो जाते हैं अब जल्दी से। तो भाई दूध कर दिया मैंने गर्म, अब इसमें खट्टा डालूंगी। अब मैं आपको आज दही जमाना सिखाती हूँ आपको, कि मतलब सिखा नहीं रही हूँ, मतलब जो मैं दही में जो कम खट्टा डालती हूँ ना उसकी वजह से बहुत ही अच्छी दही जमती है भाई। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सिर्फ इतना सा, और इससे इतनी अच्छी दही जमती है ना, बिल्कुल खट्टी नहीं जमती और स्वाद दही लगती है इससे। तो हमेशा ना इतना कम खट्टा डालना चाहिए। ये मैंने खट्टा डाल दिया इसमें, और ये मैंने ज्यादा दही इसलिए जमाई है कि सुबह मैं रचित के लिए लस्सी वगैरह पैक कर दूंगी, चीनू को जाना ही है तो इसलिए आज मैंने पतीला भर के दही जमाई है। चीनू ये ले। मन नहीं है। ले ले, मैं ले आई अपने लिए भी लाई हूँ, मैंने खा भी लिया थोड़ा सा। ये ठंडा हो रहा फ्रिज में रखा रखा, बल्कि और स्वाद हो रहा है ये, ताजा ताजा अच्छा लगता है ये। तो खत्म क्यों नहीं किया उस दिन? पानी में मत भिगो के रखा करो, वो वैसे सूख जाता। फ्रिज में का मॉइस्चर रहता है फ्रिज में। हटा दूं? सारा पानी में इसका मीठापन निकल गया, फिक्का हो रहा बिल्कुल। पहले बताना था, मुझे नहीं पता था इस बात का। पिछली बार जब हवन हुआ था जब वाले नारियल को पानी में रखा 2 दिन में बिल्कुल वैसे फिक्का हो गया था। मैं कह रही हूँ बताना था ना मेरे को, अगर तूने वो नोटिस की थी तो बात। अब रख दो, जाके निकाल रही हूँ। तो गाइस मुझे नहीं पता था कि ये भिगो के नहीं रखना, मैंने इसको पानी में रख दिया, और चीनू सही कह रही है कि इसका सारा मिठास ये निकल गया है। तो अभी मैं इसका पानी निकाल देती हूँ। तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, और इसको ढक के फ्रिज में रख देती हूँ। तो गाइज इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं और जल्दी मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ। गुड नाइट गाइज।